हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आज स्टडी पॉइंट में। चलिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे लिब एप्लीकेशन के बारे में एकदम शॉर्ट तरीके से, जिससे आपको समझ में आए और स्टेप बाय स्टेप इसमें बात करेंगे। इंग्लिश टू हिंदी में आपको बताएंगे। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। और इससे पहले जो हम वीडियो डाले हैं वो नोटिस के बारे में डाले थे, वो भी क्लास 10th और 12th दोनों के लिए जरूरी था। तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक के हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप छुट्टी के लिए सिर्फ एप्लीकेशन लिखते हैं तो जिस तरह से लिखा हुआ है उसको आप देखेंगे और उसी तरह से लिख सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 10th या 12th में जब एग्जाम में फेस करते हैं, वहाँ पे जो एप्लीकेशन के लिए पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछता है, देख लीजिए। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 4 days लीव टू अटेंड ए मैरिज पार्टी। मतलब हमको छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन लिखने के लिए बता रहा है मैरिज पार्टी में जाने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन को लिखेंगे किस तरह से, चलिए आते हैं उसमें। टू द हेडमास्टर शिवाजी हाई स्कूल बेनागुड़िया। यहाँ पे जो हम स्कूल का जो नाम दे रहे हैं, ये नाम आप अपने स्कूल का भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे सामने का जो स्कूल है जहाँ से हम पढ़े हैं उसी का नाम दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देना है क्या, रिक्वेस्ट टू ग्रांट 4 days लीव। मतलब हमको 4 दिन की छुट्टी का ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ये सब्जेक्ट में देना है। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट नीचे से, सर विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर इज ऑन 16th December 2019। तो मतलब मेरे बड़े भाई का जो शादी है 16th December को है। नेक्स्ट में आप लिखेंगे आई हैव टू अटेंड इट सो आई शैल बी अनेबल टू कम टू स्कूल फ्रॉम 14th December टू 18th December। मतलब इतना से इतना हम एबसेंट रहेंगे, उसके बारे में इसमें मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप लिखेंगे आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट लीव फॉर अबव मेंशन डेट। मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ग्रांट कीजिए जो यहाँ पे मेंशन किया गया उस डेट के हिसाब से। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस थैंकिंग यू। इसके बाद एप्लीकेशन को एंड कीजिएगा और जस्ट राइट साइड में नीचे में योर फेथफुली या फिर योर ऑब्डियंटली लिखने के बाद नीचे आपका नाम मेंशन कीजिएगा। इस तरह से एप्लीकेशन को लिख के आप छोड़ दीजिए। तो इसमें अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।